ऐसा ही रहा, जैसे कोरोना काल में हम लोग थे, थोड़ा उतार थोड़ा चढ़ाव, थोड़े खुशी थोड़ा गम, बट बेहद ही सुखदपूर्ण रहा। सारी चीज़ें जितनी जर्नी में आई ना, सब सीखते गए, तो क्या बोले, बस जैसा जर्नी रहा सबके प्यार से बढ़िया रहा। सब और के बारे बताइए कि महावीरा किस तरह की फिल्म है। मोस्टली सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, अपना कीमती समय भी देने के लिए, और थैंक्स अलॉट माय टीम शिवांश फिल्म्स एंटरटेनमेंट एंड संजय भैया एंड HDM बड़े भैया अभय सिंह, जिनकी बदौलत ये सारी चीज़ें एक आज स्तंभ पे जा रही है। महावीरा एक ना ड्रीम प्रोजेक्ट है हम लोग की, जिसपे सर ने काफ़ी मेहनत किया है, रामचंद्र जी ने मेहनत किया है, और ये आगे फ्लोर पे जा रही है आज के बाद। सर ये फिल्म क्या जंगल के बेस पे कुछ है? क्योंकि मैं जैसे पोस्टर देख रहा हूँ, पेड़ दिख रहे हैं, कुछ नार दिख रहे हैं, बंदर भी दिख रहे हैं, हाँ। क्या ये पूरे फॉरेस्ट के ऊपर फिल्म बेस है? फॉरेस्ट के ऊपर नहीं है, वो स्टोरी वैसी है कि उन सब चीज़ों का डिमांड रहा, और ये आप कुछ भी कह सकते हैं, भगवाधारी हैं, बजरंग बली का आशीर्वाद भी है, तो ये अभी तो ओपन करना थोड़ा सा ये होगा कि अभी मैं कुछ इसके बारे में बोल दूं, बट जो भी चीज़ें हैं बड़े कैनवास की चीज़ है, और ये भी कन्फ्यूजन है, मैं अभी नहीं करूँगा ओपन, बिकॉज हाँ ठीक ही आपने गेस किया है, डबल रोल कोई भी देख के बोल सकता है, बट ये डबल रोल तो देखने के बाद पता चलेगा। सर पोस्टर देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये फुल एक्शन मूवी होगी। फुल धड़ाम है, फुल धड़ाम है, ये मैं कंफर्म बोल रहा हूँ, फुल धड़ाम है, जिसमें प्रदीप सर हैं इधर ही फाइट मास्टर अपने, तो प्रदीप सर के साथ मैंने कई मूवी किया, तो बहुत ही दमदार पंच रहता है, फुल एक्शन है, धड़ाम धड़ाम बहुत ज़्यादा है। सर आपसे जानना चाहूँगा, जब ये प्रोजेक्ट आप तक आया तो क्या क्या रिएक्शन था पहले सर के बारे में इंट्रोड्यूस? मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ सर को, सर एज अ प्रोड्यूसर फर्स्ट फिल्म कर रहे हैं, और सर की ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद हम लोग के ऊपर है, मेरी टीम के ऊपर है, कि सर हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी ग्राफ को आगे ले जाने के लिए हम लोग के साथ अपना कीमती समय दिए हैं, अन्यथा सर सच में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं बिहार में। सर का नाम अभय सिंह है। जी सर, ये जो प्रोजेक्ट आप तक आया तो क्या कुछ रिएक्शन कर सकते? पहले तो मैं स्पष्ट बता दूं कि इस मार्केट से, जो भोजपुरी मार्केट है मूवी का, मैं बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, मेरा लाइन बिल्कुल अलग है, मैं बिल्कुल इंडस्ट्री का आदमी हूँ, बट मिस्टर सूरज जी, जो मैं इनको छोटा भाई मानता हूँ और सारा कुछ इनके ऊपर है, ये जो बोलते हैं मैं ट्रस्ट करता हूँ। और मैं अगर जमशेदपुर से बहुत कम समय निकाल के आया हूँ, उसका दो प्रमुख कारण है, ऑलमोस्ट भोजपुरी है तो यूपी बिहार के लोग ही यहाँ पे मैक्सिमम होंगे, बराबर, आई थिंक वो देखने वाले ज़्यादा लोग हैं। तो बिहार में सिर्फ दो ही चीज़ है, बिहार और यूपी दोनों जगह, एक है ब्यूरोक्रेसी यानी IAS IPS एंड गवर्नमेंट जॉब, दूसरा है नेतागिरी, ये दो चीज़ है। तीसरा एक बहुत अच्छा डेवलप हुआ है, मैं इन लोगों को बहुत बहुत बधाई का पात्र मानता हूँ कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ला करके जो एक रोजगार भी उत्पन्न कर रहे हैं, ये बहुत ही काबिले तारीफ है, और मैं उसमें कुछ सहयोग करूँगा। मेरा अपना भी जो प्रोडक्शन हाउस है वो टोटली इनके ऊपर डिपेंडेंट है, इनके कहने पे मैंने भी एक प्रोडक्शन हाउस ओपन किया है, प्रोसेस में है वो, मैं उसमें कुछ नहीं जानता हूँ, ये सब सूरज जी जानते हैं, यही करेंगे, ठीक है। कारण कि और किसी भी फील्ड में ले लीजिए, बिहार में कुछ नहीं है, ऑल इंडिया में एक ही कॉन्ट्रैक्टर है बिहार में ऑल इंडिया बेसिस में, रामकृपाल सिंह इन कंस्ट्रक्शन, उसके बाद यूपी में सिर्फ एक ही है अनिल कुमार सिंह एप्को इंफ्राटेक, और कोई है ही नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक नया इंडस्ट्री ये डेवलप किया है, मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ। थैंक यू सर। से मेरा सवाल रहेगा सर, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे पोस्टर में देख रहा हूँ कि विलन काफ़ी जो नामचीन विलन है आपने एक साथ लाए, तो सर ये किस तरह से मुमकिन हुआ कि इतने नामचीन विलन एक सिनेमा में लेके आए? कन्वेंस करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन सारी चीज़ें मैं सबको, जितने भी हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, दिल से उनको धन्यवाद दूंगा। चूँकि क्या है ना कि कॉन्सेप्ट ही में ऐसा है कि उनको सुनने के बाद ऑटोमेटिक रहा नहीं गया, उन्होंने बोला नहीं मैं रेडी हूँ। सुशील भैया थे, संजय भैया, अयाज जी, बालेश्वर भैया इधर ही हैं, मतलब जिनसे भी हमने डिस्कशंस किया और कॉन्सेप्ट सुने तो उन्होंने उस चीज़ को ना नहीं बोला, लेकिन ऐसी चीज़ें करना चाहिए, तो अच्छा लगा, जुड़े जुड़ते चली गई सारी चीज़ें। एक्ट्रेस तो अभी यामिनी जी हैं,
यामिनी जी हैं सोलो हैं और एक्ट्रेस में मैम जो हैं जो भी हैं पुष्पा जी हैं और बाकी सिरे कास्टिंग पे हैं और एक्टर तो बहुत सारे हैं। सूरज जी मुझे रामचंद्र ने बताया कि आपकी हर फिल्म में जो अभिनेत्री हैं वो बदल जाती हैं, जोड़ियों में विश्वास नहीं रखते शायद। नहीं सर, लंबी जर्नी करने के लिए थोड़ा सा तो डिफरेंट चीज़ें करनी ही पड़ेगी, तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही चयन होता है। ऐसा नहीं है कि जोड़ी बनी तो उसको लेके हम चलें, अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो ऐसा भी हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट के अनुसार जो चीज़ें चलती हैं और कैरेक्टर जो फिट होता है, तो मेरे ख्याल से लगता है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर को वही करना चाहिए। अगर मैं फिट हूँ तो मुझे लें, अन्यथा मैं भी लें, इसमें बिलीव करता हूँ। जो जोड़ियां पहले से चली आ रही थी सिनेमा में, कौन सी की बात करूं, दिनेश भाई की बात करूं, खेसारी लाल यादव की बात करूं, तो क्या ये लोग कॉन्सेप्ट के हिसाब से कास्टिंग हीरोइन की नहीं कर रहे थे? ऐसा नहीं है, वो पब्लिक में जैसी डिमांड होती है ना, मेकर वैसा काम करता है। तो पब्लिक डिमांडेड थी सारी चीज़ें और मेकर काम करते गए, बनती गई सारी चीज़ें, आईओ पे ही है। अब तो जनता स्वरूप जनार्दन है, भगवान है, जिस दिन बोल देंगे कि वे यही करो तो करते रहेंगे, चलती रहेगी सारी चीजें। केके गोस्वामी जी कुछ कह रहे थे, सर कहिए, खुल के कहिए, माइक आपके सामने। ये जो आनंद जी हैं जो सवाल कर रहे हैं, ये बहुत डिप्लोमेटिक सवाल कर रहे हैं और इस बच्चे को कंफ्यूज कर रहे हैं, फंसा रहे हैं। इसके बदले में यही कहना चाहेंगे कि जोड़ी रियल लाइफ में चलती है, जो ऊपर वाला बनाता है, बाकी फिल्मों में हमेशा बदलती रहती है। ऊपर वाले ने बना के भेज दिया है, क्योंकि पब्लिक फिर डाइजेस्ट नहीं कर पाती अगर एक ही जोड़ी लेके चलते रहे तो। जोड़ियों वाला सवाल केके जी शायद बेहतर जवाब। नहीं, आनंद जी आपके सवालों का ये सही जवाब दे रहे हैं, ये भी बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से अपना पल्ला झाड़ते हुए साइड से निकल जा रहे हैं। और लेकिन आपका जो सवाल था कि दिनेश जी की जोड़ी, पवन जी की जोड़ी, खेसारी जी की जोड़ी और भी बाकी हीरो की जोड़ी, आप महान है आनंद त्रिपाठी, आप एक एक चीज़ निकालते हैं कहाँ कहाँ से, पर वो सब जोड़ियाँ लोगों को देखना बहुत पसंद आता है और उन जोड़ियों ने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है। इसके लिए प्रोड्यूसर लोग जोड़ी में फिल्म बनाते रहते हैं, लेकिन कई बार उनकी जोड़ी भी तोड़कर दूसरे कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी फिल्में बनाते हैं। अब इनकी जोड़ी है ना हम लोगों के साथ है, अब हमारी जोड़ी है, हमने इनकी सारी फिल्मों में मैंने काम किया है, बराबर, तो मेरी और इनकी जोड़ी है, सूरज जी की जोड़ी है, ये डायरेक्टर हैं सूरज सिंह राजपूत जी, तो लगभग सभी फिल्मों में यही डायरेक्टर होते हैं, तो ये हम मर्दों की जोड़ी है आजकल हम लोग आपस में। आजकल यही चल रहा है। मुझे जैसे कि इन्होंने एक महारानी का रोल ऑफर किया है तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, हमने कहा जो ऊपर वाला देता है प्रसाद रूप में आप उसको ग्रहण कर लीजिए। अभी तो फिलहाल हम लोग का चल रहा है, तो अभी भी आ गए हैं तो हम लोग कल बैठ के हम लोग बात भी कर रहे हैं, जैसे नवम्बर में 8-9 के बाद ही हम लोग शुरू करेंगे। सर संगीत की बात करें तो किस प्रकार के संगीत होगी, कौन गायक और कितने गाने होंगे? संगीत ज़्यादा सॉन्ग नहीं रहेंगे अपने फिल्म में, मतलब कम से कम 6 या 7 फिल्म में सॉन्ग रहेगा, और अच्छे अच्छा फिल्म बनाने के लिए अच्छे संगीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर अच्छे हों और अच्छे उनको बुला रहे हैं, अमन जी हो गए, यश जी हो गए, यश कुमार जी हो गए, इधर ही है यश कुमार जी भी बुलाए हैं, तो अब यश कुमार जी के ऊपर जिम्मेवारी दिया जा रहा है कि आप अच्छा भोजपुरी सॉन्ग बनाएँ और हम लोग संगीत के बारे में यही बताएंगे, सॉन्ग बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। सर मेरी एक जिज्ञासा है, जब फाइट वाला जहां ज्यादा एक्शन वाली सीन होते हैं उसमें एक आइटम सॉन्ग होता है, इस फिल्म में है? अभी तक हमारे फिल्म में आइटम सॉन्ग हम ज़्यादा नहीं रखते हैं, क्योंकि हम फैमिली के लिए फिल्म बनाते हैं, सेटेलाइट को देखते हुए कहीं पर भी जाएँ। अभी ये देखिए फिल्म जो बना रहे हैं आप सब देख रहे हैं पोस्टर,
बजरंगबली को भी देख रहे हैं, हम कुछ सोच के कुछ हट के भोजपुरी जगत में कुछ हट के फिल्म देते आ रहे हैं, जिसमें अर्धांगनी दी है, अभी सूरज दरी बंजर आ रहा है, हमारा बहुत सारे फिल्म आ रहा है, अभी सती नागिन धर्मपत्नी भी आ रहा है, तो कुछ हट के ही हम काम करते हैं। सर, हीरो और डायरेक्टर की जो फिर एक साथ ये महावीरा तो आएगा तो सब लोग जानेगा कि भाई महावीरा क्या बना। हम लोग अब क्या यूट्यूब के लिए मोबाइल को देखते हुए और सेटेलाइट को देखते हुए हम काम कर रहे हैं, तो ऐसा फिल्म क्यों ना बनाए कि सब लोग बाहुबली बना सकता है, तो हम थोड़ा सा उतना बजट नहीं लेकिन हम लो बजट में ही बनाएंगे, वैसा टक्कर देंगे। बहुत अच्छा जोड़ी है और धन्यवाद देना चाहता हूँ, सूरज हमारा छोटा भाई है, थैंक यू। और हम लोग थोड़ा सा बिजी थे शेड्यूल में, वो बिजी थे, हम शेड्यूल में बिजी थे, जहाँ जब से ऐसा मिला फिर बुलाया सूरज ने ही कि भैया आ जाइए, अब क्या एक बड़ा पिक्चर किया जाए, हमारे यहाँ स्टोरी भी था, सुदर्शन साथी ने बनाया था स्टोरी, रामचंद्र जी ने अच्छा बनाया, उस स्टोरी के ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं, अब बहुत अच्छा लगेगा ये फिल्म सभी लोगों को। वो आशिया खान जी हैं, अच्छी सिंगर है। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, और सूरज जी आपको बहुत बहुत बधाई हो इस मूवी के लिए। जैसा कि मैंने सुन रखा है, इस मूवी के लिए बहुत ही प्यारा प्यारा कहानियाँ बहुत अच्छी है, रिलीज भी बहुत अच्छे हैं, और बहुत सी बातें हैं जो मैंने सुनी है और जानी है, और काफ़ी अच्छे एक्टर हैं और काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं। तो जाहिर सी बात है, अभी आपने कहा सूरज जी दोनों सूरज मिलकर क्या धमाका करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छा ही धमाका होगा। और फर्स्ट पिक्चर जो आई थी बहुत ही प्यारा कहानी लेकर आया था, तो ये भी पिक्चर काफ़ी अच्छा रंग दिखाएगा, और मैं जहाँ तक हो सके मैं सूरज जी के साथ हूँ, सपोर्ट करूँगी। भैया भी बहुत अच्छे इंसान हैं, इन्होंने बहुत ही आशीर्वाद प्यार दिया है मुझे। तो मैं एक सिंगर हूँ, मैं जगराता करती हूँ, मेरा नाम आशिया खान है, और इनके प्यार और दुलार से आज मैं इनके साथ हूँ। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस सर, जब कई फिल्मों में जी जी आप एक निर्देशक के साथ काम करते हैं जी, एक के बाद एक, तो जो बॉन्डिंग है एक एक्टर और एक डायरेक्टर की, वो मजबूत हो जाती है, एक दूसरे को समझ पाते हैं, और वो जो समझ है वो सिनेमा में भी नजर आती है जी जी। आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं? एकदम कहना चाहेंगे। आपने अच्छा ही क्वेश्चन किया है। दरअसल एक ना दोस्ती टाइप का रिलेशन हो जाता है, एक डायरेक्टर एक एक्टर का जब बॉन्डिंग मजबूत होती है तो एक पिता पुत्र के समान रिलेशन भी होता है, दोस्ती का भी रिलेशन हो जाता है। फिल्मों को जैसे डायरेक्टर सींचता है, जैसे पुत्र को पिता सींच के बड़े करते हैं, वैसे फिल्मों को डायरेक्टर सींच के बड़ा करता है, और एक्टर उसमें पलता है, उस चीज़ को कैरेक्टर में ढलता है। तो निश्चय ये चीज़ें बहुत लाभदायक होती है, जब बॉन्डिंग एक फ्रेंडशिप होता है, एक रिलेशन मजबूत होती है उसमें, तो ना काम करने में मज़ा आता है, झिझक मिटक जाती है और आदमी खुल के काम करता है। अभय जी, आपने बताया कि समय की बड़ी कमी है आपके पास, बेसिकली आपके दूसरे जो है जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। जब फिल्म शुरू होगी तो क्या आप अपना समय दे पाएंगे उस दौरान? देखिए, मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा जो भी काम है वो सूरज जी देखेंगे, इन्हीं के संरक्षण में होगा, और ये सही बात है। मैं इनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे इस बार छोड़ दीजिए, कारण कि जब ये बोल रहे थे मैं कल रात में 1 बजे पहुँचा हूँ भुवनेश्वर से जमशेदपुर, फिर आज मुझे आना था, तो जहाँ तक काम है मेरा जो अपना फर्म है उसमें अभी 350 लोग काम करते हैं, और 350 में अलग अलग कंपनी है 14-15, तो मुझे आदत है एक और बढ़ेगा तो उसको हैंडल करने का, तो निश्चित ही इस सेगमेंट को भी बड़ी प्रॉपरली हम सिस्टमेटिक करते हैं। अब इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये क्या कर रहे हैं नहीं कर रही है मैं नहीं देखता हूँ, रिजल्ट चाहिए, और हम लोग इस तरह से करते हैं कि वो बेटर हो और रिजल्ट बढ़िया आना चाहिए। थैंक यू। अब आप टीम को में 200 और जोड़ लीजिए, महावीरा की टीम को अब 500 लोग हो जाएंगे आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और आपका कभी मुलाकात नहीं हुई है, कारण फील्ड अलग है, लेकिन आपका कभी कभी चैनल में आता है यूट्यूब में, तो मैं अच्छे से जानता हूँ आपको, और बड़े अच्छे क्वेश्चन करते हैं आप, जैसा आप सूरज जी से कर रहे थे, तो इनका ये आंसर जो दिए मैं इनके तरफ से थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। कोई भी जो जोड़ी बनती है
या जो एक बॉन्डिंग होता है वो स्टार्टिंग होता है, धीरे 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 बन जाता है, है ना। चाहे पवन सिंह ले लीजिए, खेसारी लाल ले लीजिए, या रवि किशन जी ले, सब ने शुरुआत किया कहीं से छोटे स्तर से और आज वो स्टार बन गया। तो वैसे ही ये लोग भी हैं स्टार, हैं भी, आगे और बन जाएंगे, तो जोड़िया इनकी भी बनेगी। हो सकता है कल ये अक्षरा के साथ भी काम करें, हो सकता है हम रूपाली के साथ काम करें, तो समझता हूँ सूर्य सम्राट का अपना एक बड़ा नाम है जो कि एस्टैब्लिश है, बिल्कुल बिल्कुल, अपनी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है और इसका फायदा आपको और महावीरा की पूरी टीम को भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके लिए हमारे तरफ से। डायरेक्टर साहब कब से शूट शुरू कर रहे हैं फिल्म महावीरा की और कहां शूट करेंगे आप? हम लोग तो डेट अभी कंफर्म करने वाले हैं, लेकिन नवंबर में कंफर्म हम लोग नवंबर में करेंगे और ये फिल्म हम लोग यूपी में लखनऊ में करने वाले हैं। अरे क्या बात है। केके जी, आपकी जो भूमिका है फिल्म में महावीरा में, वो अब तक कंफर्म हो पाई है कि बेसिकली आप क्या किरदार करने वाले हैं इसमें? मेरी भूमिका यही बताएंगे, डायरेक्टर हैं। क्या सोचा है केके गोस्वामी के लिए आपने? केके जी के लिए हम लोग कुछ नया ही सोचते हैं, उनके लिए अलग से ही मैकिंग करके रखना पड़ता है, नहीं तो ये गुस्सा जाते हैं। वो हमारे हमारे गार्जियन हैं, ऐसा नहीं है, आशीर्वाद भी देते हैं, तो ये हम लोग से कहते हैं कि आपका जब भी फिल्म बनेगा तब ये मैं रहूँगा ही रहूँगा, क्योंकि ये फैमिली है, ये फैमिली, हम लोग फैमिली है, तो हम लोग केके जी का मान सम्मान दे रहे हैं। अब अच्छा, मैं अच्छे इनके लिए अच्छा कुछ सोचा गया है। केके गोस्वामी जी, आपको जहाँ भी आप शूट करते हैं भीड़ बड़ी इकट्ठा होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा फैन आपने कमाए इतने सालों में सर, जिसकी वजह से बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है कई बार शूट पिक्चर होता है, इस बार मेकर्स क्या ओवरकम करने के लिए इसे क्या प्लान कर रहे हैं ताकि शूट भी सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे और आपके फैंस को भी दिक्कत ना हो? कई बार तो इन्हीं के शूट पर मुझे बुलाया और जब भीड़ इकट्ठी हो गई तो मुझे गाड़ी से उतारा ही नहीं, मैं गाड़ी में बैठे बैठे मेरा पैकअप हो गया। अर्धांगिनी में और ये अभी लास्ट वाली फिल्म में तेरी दुल्हन सजाऊंगी, तेरी दुल्हन सजाऊंगी मैं, क्योंकि इतनी भीड़ हो गई कि मुझे वो हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने गाड़ी से उतारा ही नहीं मुझे, कि भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन व्यवस्था अच्छी रखी जाए, पुलिस और बाउंसर वगैरह, तो शूटिंग अच्छी हो सकती है। सूरज जी बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और इनके साथ एक्टिंग करने में मज़ा आता है, क्योंकि इनको मैंने जब अर्धांगिनी में देखा था तो मैं तो हम लोग काम करने गए, मैं, मनोज टाइगर, संजय पांडे, अंजना जी, शुभी शर्मा, सारे बड़े स्टार थे, तो हम लोगों ने सोचा कोई नया लड़का होगा, ठीक है हम लोग अपना काम करके चले जाएंगे, लेकिन जब इनके साथ शॉट दिया तो लगा कि नहीं, नया लड़का नहीं है, इसमें बहुत पावर है। और फिर मैंने इनसे पूछा कि आपने पहले कुछ किया, तब इन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि मैंने बहुत काम किया है, सीरियलों में भी किया है जी जी, और इन्होंने बहुत नज़दीक से बैठ बैठ के शूटिंग देखा है जी, देख देख के इन्होंने सीखा जी, है जी, और इनके अंदर बहुत गुण है, अगर इन्हें सही मौका मिला आगे तो ये भी जैसे बाकी पवन जी, दिनेश जी, केसारी जी जैसे दूसरे स्टार हैं, उस स्टार से ये कम नहीं है। सूरज जी, अर्धांगिनी का जिक्र किया केके गोस्वामी साहब जी, अर्धांगिनी अपने आप में बड़ी कामयाब फिल्म नहीं है, बेसिकली मैं टीआरपी या फिर टीआरपी की बात जी जी जी, वो अपने आप में एक बड़ी फिल्म थी, यकीनन उसके बाद जो महावीरा है उनमें दर्शकों की काफी ज्यादा होंगी, क्योंकि आप उससे नीचे आने से आपको तो ऊपर ही जाना है जी सर, क्या उन उम्मीदों पर जो दर्शक लगा के बैठे हुए हैं जी जी, उन पर खरा उतरने के लिए क्या दबाव महसूस हो रहा है या फिर तैयारियां? नहीं नहीं, तैयारियां शुरू है सर, जोरों पे है, चैलेंज है, और मेरा एक वो लग रहा था कि फाउंडेशन में मैं बन जाऊंगा, फैमिलियर हीरो, फैमिलियर पिक्चरें और सारे मतलब वो चीज़ें बन रही थी, अर्धांगिनी, तेरी दुल्हन से जाऊंगी, तो वो सारी चीज़ें लग रहा था कि मतलब मेरी अलग जोन जा रही है क्या, तो जैसे डिस्कशंस हुआ ये चीज़ें बनी और हम लोग ने सोचा कि ऐसे ऐसे बनेगा, तो मुझे लगा उस चीज़ को मैं ही ब्रेक कर पाऊंगा, तो उसे मैं ब्रेक करने की पूरी तैयारी में। ये पीछे बजरंगबली भी नजर आ रहे हैं, ये वाला किताब किसके पास है? बजरंगबली ही करेंगे। उनको तो कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, वो महावीर है और हम उनके छोटे से महावीरा है। एस कुमार जी, नमस्कार।
म्यूजिक को लेकर क्या जिम्मेदारियाँ आपको सौंपी गई हैं मेकर्स की तरफ से? क्योंकि जितना बड़ा टाइटल है, कोशिश करूँगा कुछ अच्छा गाना इसमें बनाऊँ, और टाइटल से इतना बड़ा अपने आप में चैलेंज है गाना बनाना, तो कोशिश करूँगा कि कुछ नया करूँ। हर आदमी बोला कि मैं नया करूँगा, लेकिन कुछ जरूर इसमें नया होगा टाइटल, ना तो अभी तक उम्मीद है। कितने गाने होंगे सर इसमें? अब सर भोजपुरी में जैसे 7 गाने तो हमने 7 गाने कम से कम तो होंगे, क्योंकि टाइटल ही इतना अच्छा है, इसमें अच्छे गाने बनाने ही पड़े। थैंक यू। कुछ नया और कुछ बड़े भी नहीं डाल सकते, उसमें क्या जाएगा देखते हैं क्या हो सकता है। सर हमने महावीरा के हर एक चीज़ पे डिस्कस किया, एक बच्ची बड़ी प्यारी से दिख रही सर, कौन है, क्या रोल होगा उसका, कुछ बात करें। थैंक यू, अच्छा लगा क्वेश्चन, अच्छा है। ये बच्ची जो है हमारी फिल्म अर्धांगिनी से अपनी करियर की शुरुआत की थी, और वो उसका नाम एंजल है, और इस फिल्म में उसका मेन भूमिका है, एक अहम भूमिका है, जो कि कहानी महावीरा की उसके इर्द गिर्द घूमेगी। कहीं ना कहीं वो एक पिलर है फिल्म का, और एंजल जो है मेरे डायरेक्टर सर की भांजी है, जो कि एक ब्लड में होता है एक्टिंग और फिल्म से रिलेटेड सारी चीज़ें। तो डायरेक्टर सर फील्ड में तो डायरेक्टर हैं, भगिनी है, तो वो भी एज एक्टिंग अपनी शुरुआत की थी अर्धांगिनी से। निसंदेह ये सिनेमा में अच्छा काम करेगी आई होप, और मेरी ब्लेसिंग्स सर को भी धन्यवाद, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। सबसे पहले तो जितने भी चैनल हैं उन दर्शकों को प्रणाम, और किरदार के बारे में अभी जो है भैया ने ओपन नहीं किया है, लेकिन यह है कि विलन करते आए हैं तो विलन ही कराएँगे मुझसे, अब वो किस टाइप का विलन होगा अभी ये सूरज भैया ही बता सकते हैं। सर मैं बता रहा हूँ, ये हमारे सती नागिन धर्मपत्नी के पहले प्रोड्यूसर हैं, अब इस बार भी आए हैं सामने, तो कुछ बहुत सारा सहयोग है इनका, और यहाँ तक आए हैं तो अब इनसे अब पूछिए जी। हाँ, पहले तो सभी मीडिया पार्टनर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग तो इसी महावीरा मूवी के लिए यहाँ पे आए हैं, तो सूरज बाबू से बहुत पुराना संपर्क हो गया है, और उसी प्रेम भाव के चलते मैं यहाँ पे हूँ, और पूरी महावीरा टीम को अपने तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, और मुझे उम्मीद है कि एक भावना रही है हम लोगों की कि भोजपुरी में जो थोड़ी सी शॉर्टकमिंग्स होती है उस नेगेटिविटी को हटाना है, यही हमारी कोशिश, ये सबसे बड़ी कोशिश हमारी है कि हम लोग ऐसे मूवी बनाएं जो पूरे फैमिली के साथ बैठ के देख सकें, यही हमारी कामना है और यही हमारी कोशिश है। जी हाँ, धन्यवाद। बस महावीरा में विलन का मुख्य भूमिका निभा रहा हूँ, और हमारा ये छोटा भाई हीरो है, तो फिल्म की मुख्य भूमिका निभा रहा है, विलन का मुख्य विलन क्या करता है, बस अच्छाई पे जो है बुराई की छाप डालता है, और फिर जो है अच्छाई ये लोग विलन को मार के खत्म करते हैं। कहानी अब हम क्या बताएं, फिल्म आएगी तो देखिए। रामचंद्र जी हमारे फिल्म के राइटर हैं, फिल्म तो अभी राइटिंग मोड में ही है, लेकिन इतना ही कहेंगे कि जैसे साउथ में बाहुबली है, मगधीरा है, वैसे अपना महावीरा है। नहीं, सारी चीज़ें रहेंगी, फैमिली पैकेज भी रहेगा, एक्शन भी रहेगी, हर्टिंग भी रहेगा, इमोशन भी बंधा रहेगा, इंटरटेन मतलब फुल्ली इंटरटेनमेंट रहेगा, कहीं से भी बोरियत फील नहीं होगा, कोशिश तो ही है ना, क्या बात है राइटर साहब। ऐसा लग रहा है कि आप लोग का सवालात ख़त्म होते जा रहा है। हाँ अच्छा, टीम वही नहीं है, टीम तो नहीं नहीं ज्वाइन किए हैं, भैया ज्वाइन किए हैं, भैया ज्वाइन किए हैं, भैया ज्वाइन किए हैं। नहीं, सवाल है आपके दिमाग में कुछ किसी भी प्रकार का, जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से हो, या फिर किसी क्रिएशन के तहत हो, या फिर फिल्म मेकिंग के ऊपर हो, या फिर जो चीज़ें बन रही हैं उसके ऊपर हो, तो हम तैयार हैं उसका सामना करने के लिए। प्रोजेक्ट तो बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन नो डाउट ये टाइटल ही बड़ा है तो फिल्म भी बहुत बड़ा बनेगी।
और मैं साथ में भैया के साथ इनके साथ कई फिल्में कर चुका हूँ, तो मैं जानता हूँ कि जब भी ये सिनेमा बन के आएगा एक बड़ा सिनेमा बन के आएगा। और साथ में हमारे बड़े भैया उमेश भैया हैं, तो मतलब और भी भौकाल टाइट रहेगा इस फिल्म का। मज़ा आएगा नो डाउट, शूटिंग के समय बहुत मज़ा आएगा क्योंकि उमेश भैया जिस सेट पे होते हैं बहुत मज़ा आता है, बहुत हंसते हैं हम लोग, तो उन भी बहुत ही हंसते खेलते होगा। और हमें उम्मीद है कि भैया कभी भी जो भी फिल्में बनाए हैं, बड़ी फिल्में बनाई इन्होंने, अच्छी फिल्में बनाई हैं, जैसे अर्धांगिनी आपका एग्जाम्पल है और भी सारी फिल्में आ रही हैं कंटिन्यू लाइन से, तो एक अच्छी फिल्म बन के आएगी जब भी आएगी दर्शकों के बीच में। इस फिल्म में भैया हैं उमेश भैया, बालेश्वर भैया, संजय पांडे जी हैं, सुशील भैया हैं, अयाज खान जी हैं, ब्रजेश त्रिपाठी जी हैं, धामा वर्मा हैं, और भी बहुत सारे यामिनी जी हैं, को आर्टिस्ट हैं, के जी का नाम मत छोड़िए, के सर हैं हमारे, अरे सवाल ही नहीं है, ये इधर ही है कहीं, इधर ही है कहीं, के सर हैं और रहेंगे भी, रहेंगे भी। तो ऐसे बड़ी चीज़ें हैं, बड़ा कैनवास है, सस्पेंस, हाँ मेहनत तो जरूर करेंगे, उसके लिए तैयार हैं, उसके लिए तैयार हैं, मेहनत के लिए तो चीर फाड़ के रख देंगे हम लोग। काम करते ही वैसे हैं, भैया के साथ भी काम किए मज़ा आता है, और भैया के साथ भी काम किए हैं, भैया के साथ भी काम किए हैं मज़ा आता है। अब इतने दिग्गज खलनायकों के साथ में अकेला एक हीरो लड़ेगा तो शायद नहीं लड़ पाएगा, इसलिए राइटर साहब को दो हीरो पैदा ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम सारे हाथियों को एक शेर नहीं मार सकता है, उसके लिए दो शेर पैदा करना पड़ेगा, तब जाके जो है डबल करना महावीरा होगा हिट पे। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं इस पूरे फिल्म, जितने भी हमारे फिल्म के जो टीम में है शामिल, और विशेषकर इनको अपने हीरो जी को विशेष रूप से शुभकामना है, और डायरेक्टर साहब उनको भी शुभकामना है, और जितने भी हमारे भाई आए हैं आज महावीरा की टीम में सबका हार्दिक स्वागत है। ये बड़ी अच्छी फिल्म बनने जा रही है और मेरी हार्दिक शुभकामना है सबों के साथ और सूर्य सम्राट जी के साथ। अरे थैंक यू सर, ये भी जानना चाहूँगा कि मैं पूरी कोशिश करूँगा वादे के साथ कि ये मल्टीप्लेक्स में जाए और आप इसे देखेंगे। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं प्रणाम करना चाहूँगा आप लोग सब लोगों को, मीडिया भाई को, भैया का इंट्रोड्यूस करा दूँ मैं। जब मैं अपनी करियर में एज ए एक्टर बिगनिंग किया था 8-10 साल पहले, तो भैया उस समय से लेके अब तक एज ए हीरो काम कर रहे हैं, पंकज मेहता नाम है भैया का। भैया की कई सिनेमा आ भी चुकी है, इन फ्लोर पर भी है, मेकिंग रेडी है, रिलीजिंग पे भी है अभी सर के साथ पॉकेट मनी। और मैं ना इन सर से भी, बड़े भैया से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप संगीतकार से डायरेक्टर हो गए हैं तो एक्टरों पे भी मेहरबानी रखें। अरे नहीं, नहीं, और आप लोग की पॉकेट मनी दोनों लोग की रिलीज हो रही है, तो आप लोग को मेरे तरफ से धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, सूरज भाई हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, हम लोगों ने एक आध पिक्चर में स्क्रीन भी शेयर किया है, और बहुत खुशी हो रही है कि ये अर्धांगिनी की पूरी टीम द्वारा फिर से, जो कि अर्धांगिनी ने पहचान दिलाई सूरज भाई को, जी जी, और उसके बाद काफ़ी लाइन से पिक्चर करते आ रहे हैं, और ये दोबारा फिर से जो कर रहे हैं महावीरा, मैं पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जो एक पंचम लहरा है अर्धांगिनी ने, उससे कहीं ऊपर उठ के सूरज भाई के लिए ये साबित होगा, पूरी टीम के लिए साबित होगा, यही मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ। और बाकी जितने भी टेक्नीशियन हैं आप लोगों का आशीर्वाद है ही, जल्दी आगे बढ़ेंगे सूरज भाई। थैंक यू, अरे आप भी भैया, सब आगे बढ़ो, सब आगे। एक कैरेक्टर कर रहे हैं, कैरेक्टर कर रहे हैं अपनी फिल्म में भाई का, सर वो इनका नाम भाई, मेरे बड़े भाई है, बहुत अर्धांगिनी की मूवी से इनका करियर शुरू, और बहुत अच्छे भाई है मेरे, और सर